बच्चों, मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। एक बार जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी की मुलाकात सीधे साधे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे जंगल में घुमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को शेर की मनसा भापते देर नहीं लगी। वह सोचने लगी, क्यों ना शेर से एक समझौता किया जाए। मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूंगी, इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वह शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, महाराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करता? वह मान गया। ठीक है भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बस ध्यान रखना, उस गधे को तुम लेकर ही आना। नहीं लेकर आया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लोमड़ी दिन रात योजना बनाने लगा, कैसे इस गधे को उस शेर के पास ले जाया जाए। दोनों जंगल में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने सोचा, यही सही मौका है, गधा को बोलता हूँ। लोमड़ी ने गधे से बोला, दोस्त, चलो ना आज कहीं दूर चलते हैं घूमने। गधा मान गया और लोमड़ी के साथ चल दिया। लोमड़ी मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था और वो बहुत खुश था। जब वह शेर के गुफा के पास पहुंचा तो लोमड़ी ने कहा, दोस्त, तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ा आता हूँ। लोमड़ी इधर उधर देखने लगा और शेर को ढूंढने लगा। शेर वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने लोमड़ी पे हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। गधा को अपने दोस्त की चिंता हुई तो वो भी इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसे शेर ने देख लिया और उसे भी मारकर खा गया। एक बार की बात है, सुंदरपुर गांव में कहीं से एक शेर आ जाता है। शेर गांव के जानवरों को मारकर खा जाता है। गांव वाले इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई रामू, अपने गांव के जानवरों को शेर खा रहा है। अब तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, कहीं हम लोगों को भी ना शेर खा जाए। हाँ रमेश भाई, तुम सही बोल रहे हो, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। गांव में शेर का आतंक बहुत बढ़ गया है, हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। किसी भी तरह इस शेर को पकड़ना होगा। इसके लिए गांव के बाहर एक पिंजरा लगा देंगे और पिंजरा में एक मांस का टुकड़ा डाल देंगे, जिससे यह शेर आसानी से पिंजरा में फंस जाएगा। हाँ हाँ रमू भाई, अपने गांव में जिस रास्ते से शेर आता है जंगल से, हमें उस रास्ते पर यह पिंजरा लगा देना चाहिए, ताकि शेर उसमें फंस जाएगा और हम लोगों की जान बच जाएगा। शाम होते ही गांव वाले गांव से बाहर एक पिंजरा लगा देते हैं। गांव वाले पिंजरा वहां लगाते हैं जिस रास्ते से शेर गांव में प्रवेश करता है। शेर जब उस रास्ते से गांव की ओर आ रहा था, तभी
तभी उसने एक पिंजरा देखा और उसने पिंजरे में मांस का टुकड़ा देखा। वह मांस का टुकड़ा देखकर लालच में आ जाता है और उस पिंजरे में फंस जाता है। सुबह होते ही एक पंडित जी स्नान करने के लिए गांव से नदी की ओर जा रहे थे, तभी शेर ने पंडित जी से पिंजरा खोलने की याचना की। नमस्कार पंडित जी, यदि आप पिंजरा खोल देंगे तो आपका हम पे बहुत बड़ा उपकार होगा। अवश्य तुमने गांव वालों को परेशान किया होगा, तभी तुम्हें इस पिंजरे में बंद किया गया है। अगर मैं तुम्हें खोल दूंगा तो तुम मुझे भी खा जाओगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा। यदि आप पिंजरा खोल देंगे तो मैं यहाँ से चुपचाप अपने जंगल लौट जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ब्राह्मण बहुत दयालु था और वह शेर की बातों में आ गया और ब्राह्मण ने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने पिंजरा खोला वैसे ही शेर ने उसे दबोच लिया। शेर, तुम तो जंगल के राजा हो और मैंने तुम्हारी सहायता की है। तुमने मुझे वचन भी दिया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। मैं तो जंगली जानवर हूँ, मैं ये वचन का पालन नहीं कर सकता। मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वहीं पास में एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी जो ब्राह्मण और शेर की बातें सुन रही थी। तभी चिड़िया बोलती है, पंडित जी, शेर तो इतना बड़ा है और पिंजरा इतना छोटा है, शेर इसमें बंद नहीं हो सकता। मूर्ख चिड़िया, इन इंसानों ने मुझे इसी पिंजरे में बंद किया था। मैं मान ही नहीं सकती, जब तक आप इस पिंजरे में जाकर नहीं दिखलाओगे मैं कैसे मान लूं आपको कोई इतने छोटे पिंजरे में बंद कर सकता है। चिड़िया के कहने पर शेर पिंजरे में चला जाता है। जैसे ही शेर पिंजरे में जाता है पंडित जी बाहर से पिंजरा बंद कर देते हैं। इस प्रकार दुष्ट शेर फिर से पिंजरे में बंद हो जाता है और चिड़िया की चतुराई से ब्राह्मण की जान बच जाती है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की बात पर कभी विश्वास